So I am here to discuss a topic that is the transcription. अब transcription है और वो भी 12th class का, तो सबको genetics जो है क्या थोड़ी बहुत difficult लगती है, थोड़ी समझ नहीं आती. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So I am here to discuss a topic that is the transcription. अब transcription है और वो भी 12th class का, तो सबको genetics जो है क्या थोड़ी बहुत difficult लगती है, थोड़ी समझ नहीं आती, because पहले हमने ये topic पढ़े नहीं होते हैं. तो आज हम इसको बिल्कुल simplest way में transcription को पढ़ेंगे जो हमारी NCERT में दिया है. और हम transcription किस में पढ़ेंगे? Basically प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे. जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में वो डिफरेंट वे से प्रोसीड होती है, एज वेल एज दी जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में वो डिफरेंट वे से प्रोसीड होती है. तो आज हम उसी में देखेंगे क्या हमारा डिफरेंस रहेगा उसमें, और हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी रेप्लिकेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन से कैसे डिफरेंट है. सो हियर ट्रांसक्रिप्शन. But before studying the transcription, we have to know the phenomena that is the central dogma. Now, this central dogma concept was given by the Francis Crick. There is a scientist that is the Francis Crick. What he said? He said that the flow of information is unidirectional. कि जो information है हमारी DNA से RNA बनाने के लिए और RNA से protein बनाने के लिए वो एक तरफा है, unidirectional है. तो डीएनए, जब डीएनए अपने आप की सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, दैट वी विल कॉल इट एज अ रेप्लिकेशन. हम उसको क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे. व्हेन टू स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट टू फॉर्मेशन ऑफ अनलाइक स्ट्रैंड्स, की अपने ही तरह के दो और स्ट्रैंड्स बनाएंगे, उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन. व्हेन फ्रॉम डीएनए टू देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द mRNA. The one strand of the RNA, the copying of the genetic information from the one strand of the RNA and formation of the, lead to formation of the mRNA, that is the transcription. That is the transcription. कि DNA में क्या है, हमारे दोनों ही strands कर रहे हैं, work कर रहे हैं, दोनों ही strands क्या कर रहे हैं, replicate कर रहे हैं, duplication कर रहे हैं, अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्या बना रहे हैं. बट वेन वी टॉक अबाउट दी mRNA, सो mRNA में क्या होता है कि DNA का कोई एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा और वो क्या बनाएगा, हमारा mRNA बनाएगा. वेन mRNA पार्टिसिपेट टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, दैट इज द ट्रांसलेशन. सो दिस होल कंसेप्ट वॉज गिवन बाई द साइंटिस्ट, दैट इज द फ्रांसिस क्रिक. किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक. ही सेड दैट इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल. बट देयर इज अनदर साइंटिस्ट हु सेड दैट इंफॉर्मेशन कैन गो रिवर्स, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज गिवन बाय द टेमिन. टेमिन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन में क्या है कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से डीएनए भी बन सकता है, दैट इज इन द रिट्रोवायरसेस. सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द टेमिनिज्म. इसको हम क्या कहेंगे बेटा? टेमिनिज्म कहेंगे. कि जब एमआरएनए से हमारा क्या बनेगा, डीएनए बनेगा. एंड एंजाइम हियर इज द रिवर्स आरएनए ट्रांस cryptase, and that is the reverse transcription. Reverse transcription. इतना समझ आ गया आपको? अब बढ़े आगे. Yes. अब हम पढ़ेंगे transcription. Let's see the some features of the transcription. जो हमारा पहला feature है transcription का, हम इसको replication से relate करेंगे कि how it is different from the replication. I told you in replication two strands participate. I am writing here, one is the replication and one is the
transcription. यहां बनाएंगे mRNA और यहां हम क्या बनाएंगे, DNA की एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे. अब रेप्लिकेशन में क्या है हमारा बेटा, कि हमारे दो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं, टू स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट्स. वेयर एज इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द mRNA. Only one strand participate. और किसका strand? DNA का strand. Now the another information about the replication, कि जो हमारा DNA replication होगा उसमें क्या होगा कि whole of the strand of the DNA undergoing to a replication. Whole DNA strands undergo into a replication. But अब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या होगा, जहां जहां इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जहां जहां कोडिंग रीजन प्रेजेंट है, वही क्या होंगे, ट्रांसक्राइब्ड होंगे. उन्हीं से हमारे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे. ओनली कोडिंग रीजन्स means you can say where genetic information is stored, where genetic information is stored, that will transcribe. Clear? अब जो replication में था, अब हमें जब हमें रेप्लिकेशन शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं. उसके लिए हमें क्या एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज दी DNA प्राइमेज. मींस वी विल ऐड दी प्राइमर विद द हेल्प ऑफ दी प्राइमेज. बट इन ट्रांसक्रिप्शन वी डू नॉट रिक्वायर एनी प्राइमर, ओनली द वन सिंगल पॉलीमरेज, दैट इज दी RNA पॉलीमरेज हेल्प्स इन दी ट्रांसक्रिप्शन. की जो DNA RNA का आपका पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज दैट विल एट द न्यूक्लियोटाइड, वही DNA को क्या करेगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. वही जो है बॉन्ड्स को, DNA बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा. वही जो है नए न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा और वही क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, ऐड करेगा. So this is the information about the ki how the replication is different from the transcription. Ab I told you ki transcription kya hai beta, hum basically ki transcription hai flow of, you can say flow of inform genetic information from one strand of the DNA to form the mRNA, that is the transcription. So I'm writing here transcription. It is the copying of genetic information. हमने ली genetic information कहां से, from one strand of the DNA. To formation of mRNA. That is called as the transcription. अब जो हमारी transcription है, that also follows the rule of complementarity जो चारगफ ने दिए थे. ये transcription also follows rule of complementarity. कि we already know in DNA एप्लीकेशन में 1 will be 5 to 3 and 3 will be 5 to 2. क्या है कि एक स्ट्रैंड दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा. एज वेल एज दी कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ड्यूरिंग कॉम्प्लीमेंटेशन, कि हमारा DNA में क्या था, एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड
guanine, that is the cytosine. But here thymine is replaced by the uracil. Thymine is replaced by the uracil in the transcription. Ki thymine ke saath ab kaun pair karega? Uracil karega. But in replication mein kya tha ki adenine will pair with the thymine, but in transcription adenine will pair with the uracil. That is the main difference as well as in the replication and the transcription. Yes, note down kar lo beta. Yes, ab kya hai ki hamara major question hai NCERT ka ki why both strands do not participate in the transcription. This is the main question, and many times a question has been asked from this portion ki dono strands kyun participate nahi karte. This is the question, why both strands of DNA do not participate in transcription. अब हमें assume करना है कि मान लो first इसके पीछे भी क्या है हमारे पास two reasons हैं. When we talk about in the prokaryotes, so prokaryotes में क्या होगा? DNA कैसा होगा? Circular होगा, double stranded circular DNA होगा. Clear? अगर दोनों ही strands participate करें, अगर both strand participate करें तो हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास दो तरह के हमारे पास क्या बनेंगे? Translation होगी तब हमारे पास proteins बनेंगे. Proteins means they are made up of the amino acids. So both strands of DNA that is complementary to forms the new strand of the RNA. ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? Complementary होंगे. तो दोनों के पास क्या बनेंगे? Amino acids से proteins बनाएंगे. तो दोनों ही strands के पास क्या होंगे? Different amino acids होंगे. Different amino acids होंगे. ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी. जब ट्रांसलेशन होगी तो दोनों ही स्टैंड्स के पास क्या होंगे? डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स विल कोड फॉर द डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेंगे. सो दैट विल लीड टू द कॉम्प्लिकेशन इन द जेनेटिक मशीनरी. एज वी हैव द 30K ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बींग्स, वी हैव द 30K ऑफ जीन्स. अगर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वी विल हैव द 60K genes. That will lead to the complication. दूसरा रीजन क्या है कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं, तब क्या होगा? जो मान लो कि ये है हमारा mRNA, ये भी क्या है? mRNA. और दोनों ही स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं टेम्पलेट. अब दोनों स्टैंड एक्ट कर रहे हैं टेम्पलेट के लिए, और ये हमारे क्या बना रहे हैं? नए आरएनए. तो जो नए आरएनए बने, दे विल पेयर टुगेदर, दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दी ईच अदर, एंड दे विल बाइंड टुगेदर. ये कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे. और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा हमारे पास, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होगा? ट्रांसलेटेड नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द रीजन कि व्हाई टू स्टैंड्स ऑफ द डीएनए डू नॉट एक्ट एज अ टेम्पलेट और डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और कहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अपनी टर्मिनेशन करेगा. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, टू फॉर्म, और यू कैन से टू फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन वी रिक्वायर
promoter reason, structural reason or structural genes. One is the termination. These are the parts of the transcription unit. अब first है हमारे पास कि हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज दी आरएनए पॉलीमरेज. व्हेन वी टॉक अबाउट दी आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी इन यूकैरियोट्स, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ दी आरएनए पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3. बट आज हम ओनली आरएनए पॉलीमरेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे. Now what happens, this RNA polymerase will add the new nucleotides in a 5-3 direction. कि ये polymerization करेगा 5-3 direction में. उसके basis पे हमारे एक stand act करेगा template और एक stand act करेगा coding region. मान लो कि ये मेरे पास डीएनए का डबल स्टैंड है. आप किसी को भी ले सकते हो 3-5, 5-3. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्टैंड जो है एक्ट करेगा टेम्पलेट स्टैंड कि जो पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए, और कौन सा स्टैंड है जो एक्ट करेगा कोडिंग स्टैंड जो दैट डू नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा in the formation of the mRNA. Ab I told you RNA polymerize the new nucleotide into a 5-3 direction in a complementarity rule, according to the complementarity rule. Ab hame batana hai ki kahan pe RNA polymerase bind karega. Ab RNA polymerase karta hai 5-3, so obviously RNA polymerase will bind to this side. Only this is not the only factor कि जिससे हम पता लगाएंगे coding region कौन सा है और non-coding region कौन सा है, या कि you can say template और coding region कौन सा है. So यहाँ पे polymerization करेगा, so इस stand को हम बोल देंगे template strand की polarity क्या है, 3-5 है, और जो उसका opposite है this strand 5-3, इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड. अब यू शुड नो दिस कोडिंग स्ट्रैंड और जो हमारा एमआरएनए नया बन रहा है, दे आर सेम एग्जैक्ट, वो क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे. और ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पे एडेनिन विल पेयर विद द यूरेसिल बिकॉज वी आर फॉर्मिंग द एमआरएनए. दिस इज क्लियर, यस. Now, अब मान लो कि ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है. यहां पे क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे. अब मुझे कैसे पता प्रमोटर कहां पे बाइंड करेगा और टर्मिनेटर कहां पे बाइंड करेगा. सो प्रमोटर विल ऑलवेज बाइंड टू द अपस्ट्रीम. कि प्रमोटर क्या है, अपस्ट्रीम पे बाइंड करता है कि ट्रांसक्रिप्शन के इस साइड, नेगेटिव साइड, आप इस साइड चले जाओ, इस साइड को हम बोलेंगे माइनस. जैसे हम ग्राफ में पढ़ते हैं दिस साइड इज माइनस, दिस साइड इज पॉजिटिव. तो सेम एज कि आप एक्सिस ले लो, ट्रांसक्रिप्शन साइट के राइट साइड जो होगी नेगेटिव होगी, जहां पे क्या होगा हमारा प्रमोटर बाइंड, प्रमोटर के साथ क्या करेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. और ट्रांसक्रिप्शन के नेगेटिव साइड, इस साइड क्या होगा हमारा प्रमोटर रीजन विल बी प्रेजेंट होगा, और दिस साइड हमारा क्या होगा टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होगा. अब हमें बताना है कि प्रमोटर की पोलैरिटी क्या होगी, प्रमोटर किस साइड प्रेजेंट होगा. So, मान लो कि इसको मैंने ले लिया टेम्पलेट, इसको मैंने ले लिया
coding. Template is a strand which participates in the formation of the mRNA. Clear? अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3-5 and 5-3. So promoter region is always present to the 5 strand in respect to the coding region. कि आपका जो promoter region present होगा वो कहाँ पे present होगा? Upstream. किसके upstream? Related to the coding strand. कि अगर आपका कोडिंग स्ट्रैंड है तो कोडिंग स्ट्रैंड के जस्ट रेफरेंस में 5 अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होगा, तो मतलब हमारा प्रमोटर यहां पे प्रेजेंट होगा. प्रमोटर यहां पे प्रेजेंट होगा और टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होगा? डाउनस्ट्रीम इन रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड. डाउनस्ट्रीम in reference to coding strand. और जो middle region है structural genes, जहां पे हमारा क्या होगी? Transcription होगी, जहां से हमारा mRNA बनेगा. Again I'm telling you कि जो हमारा promoter region present होगा, promoter region will always be present to the upstream in reference to the coding region, and terminator region is present always to the थर्ड एंड ऑफ द कोडिंग रीजन. अगर मान लो कि 3-5 लिखा था, 5-3 लिख देती हूं और यहां पे लिख देती हूं 3-5. अब इससे मैं पता लगाऊंगी कि कौन सा कोडिंग होगा, कौन सा नॉन कोडिंग होगा. मान लो कि अब सामने पता चल रहा है कि हमारा जो है कि आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करेगा, नाउ योर यस दिस व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होगा वो कहां होगा? प्रमोटर रीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट टू द 5 स्ट्रैंड. की किसको हम कोडिंग बोलेंगे, किसको हम नॉन कोडिंग बोलेंगे? अगर मैं इसको ये कह दूं कि दिस वन विल बी दी यस यस विट विट यहां पे 5-3. नाउ आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू दी थर्ड 3-5 जो एक्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज दी टेम्पलेट. और जो उसकी पोलैरिटी होगी दैट विल बी दी 5-3 होगी. और जो दूसरा होगा दैट इज दी कोडिंग स्ट्रैंड. सो जो हमारी ये वाली साइट होगी दिस विल बिकम दी, ऐसे बन जाएगी हमारी अपस्ट्रीम बन जाएगी, और ये वाली क्या बन जाएगी? हमारी डाउनस्ट्रीम बन जाएगी. फिर दैट इज द थिंग. सो वी गेट टू नो कि कौन सा टेम्पलेट होगा, कौन सा दूसरा जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होगा. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन करता है. तो ट्रांसक्रिप्शन के क्या है? तीन, इट प्रोसीड इन दी 3 पार्ट. वन इज दी इनिशिएशन, वन इज दी इलॉन्गेशन, वन इज दी टर्मिनेशन. Now, I told you and stated earlier that in prokaryotes only one RNA polymerase participates, or this RNA polymerase is made up of the different units. इसकी किससे बना है? Different units से बना है, जिसका भी हमारा अलग अलग नाम है. That is the beta, beta dash, sigma, 2 units and omega. प्लस, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोर एंजाइम्स. और ये क्या बन जाएगा? पूरा होलो एंजाइम. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए.
exist. So these units, mainly beta, beta dash, and say alpha, and alpha 1 unit and alpha 2 unit and the omega. So ye sab kya karenge DNA ke RNA polymerase ke ki ye jo hai DNA ko closed complex से लेके ओपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एज वेल एज दी जो हमारी सिग्मा यूनिट है. आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट दी ट्रांसक्रिप्शन और यू कैन से तो जो हमारा सिग्मा यूनिट है दैट विल हेल्प्स टू आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड एट दी प्रमोटर साइट. पहले इनिशिएशन की बात करते हैं. इनिशिएशन मान लो कि ये है आपका डीएनए, यहाँ लिख रहे हो 3 2 5 5 2 3. अब हमारा यहाँ पे क्या है, दिस विल बी एक्ट एज अ टेम्पलेट, दिस इज द कोडिंग और यहाँ पे क्या है हमारा प्रमोटर साइट बाइंड करेगा. अब यहाँ पे पहले क्या होगा, सिग्मा फैक्टर विल गाइड्स टू दी आरएनए पॉलीमरेज. सिग्मा फैक्टर गाइड्स टू दी आरएनए पॉलीमरेज, वो उसको कहेगा कि आइए और प्रमोटर साइट पे आके बाइंड करिए. यहाँ पे बहुत सारे कंजर्व सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं दैट डू नॉट चेंज एज दी -10 साइट, -35 साइट. तो पहले जो हमारा -10 दैट इज द टाटा बॉक्स एंड द -30 दैट इज द प्रिमनो बॉक्स. तो -30 पे आके वो क्या करेगा, बाइंड करेगा एंड स्ट्रेच इटसेल्फ एंड टू कवर द होल प्रमोटर एंड विद अलोंग विद द सिग्मा यूनिट. अब क्या होगा, इलोंगेशन में धीरे धीरे ये धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक थोड़े से स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए को क्या करेगा, क्लोज से ओपन बनाएगा, थोड़े से स्ट्रैंड को अनबाइंड करेगा. अब इट विल एड द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लाइक 5 2 3 डायरेक्शन अब जैसे जैसे इलोंगेशन होती जाएगी तो जो पीछे के जैसे जैसे यहाँ ऊपर हमारा नया डीएनए नया आरएनए क्या हो जाएगा, बनता जाएगा, दैट इज द नेसेंट आरएनए. नेसेंट आरएनए मींस न्यू आरएनए विल बी फॉर्म एंड व्हेनेवर इट सी द साइट ऑफ ट्रांस यू कैन से टर्मिनेशन, जहां पे इट विल सी द टर्मिनेशन कोडोन इट विल स्टॉप इटसेल्फ. UAG, UGA, UGC, all such. अब टर्मिनेशन जो है RNA polymerase कभी भी खुद नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको कोई एक फैक्टर चाहिए. जैसे इनिशिएशन खुद नहीं कर सकता तो इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए हमें, सिग्मा फैक्टर चाहिए. सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड. सेम एज कि टर्मिनेशन भी है आरएनए पॉलीमरेज खुद नहीं कर सकता, वेन एवर इट विल सीज दी कोडोन्स एज दीज कोडोन्स आर दी टर्मिनेशन कोडोन, सो इट विल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टर्मिनेटर फैक्टर आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, रो फैक्टर. नाउ इन अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी कि रो फैक्टर क्या है, डिपेंडेंट है. एक जो रो फैक्टर के साथ जो हमारी क्या हो रही है, टर्मिनेशन हो रही है, दैट इज दी टर्मिनेशन क्या है, डिपेंडेंट है. और एक होती है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जिसके साथ क्या होगा कि जो हमारा नया आरएनए तो बन जाएगा दैट विल फॉल्स ऑफ, बट जो टर्मिनेशन होगा उसमें क्या होगा, हमारा जो स्टैंड है जो टेक्कर है टेम्पलेट ये क्या बना देगा, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर. और जो यहाँ पे पेयर होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो सेम एज जैसे ही रो फैक्टर आया, इसने टर्मिनेशन साइट पे बाइंड किया, जो हमारा नया एमआरएनए है दैट विल फॉल्स ऑफ. नाउ यू नीड टू नो दिस थिंग कि ट्रांसक्रिप्शन जीन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या है कंसेप्ट है उसमें, कि अगर आप जीन को डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, जीन इज अ
जीन क्या है? इनहेरिटेंस यूनिट है. और जीन्स कहां पे प्रेजेंट है? हमारे डीएनए पे प्रेजेंट है. बट इन रिलेशन टू डीएनए सीक्वेंस हाउ यू विल डिफाइन दी जीन इन रिस्पेक्ट. अगर मैं आपको कहूं कि इन रिस्पेक्ट डीएनए सीक्वेंस, हाउ यू विल डिफाइन दी जीन, तो आपके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. तो जो हमारे क्या है डीएनए सीक्वेंस, दोज डीएनए सीक्वेंस कोड फॉर आरआरएनए एंड टीआरएनए, कि जो डीएनए के सीक्वेंस कोड करेंगे किसके लिए, आरआरएनए के लिए और टीआरएनए के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल एक्ट एज अ जीन. उसको हम कहेंगे जीन. और जो डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस कोड फॉर एमआरएनए, यू कैन से इन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज रिटन एज दी पॉलीपेप्टाइड. जो डीएनए सीक्वेंस क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन कहेंगे. नाउ दिस सिस्ट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोसिस्ट्रॉनिक, वन इज द मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक दूसरी क्या है हमारे पास पॉलीसिस्ट्रॉनिक. अब आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेशन, जहां पे क्या हमारे क्या बन रहे हैं, हमारी एमआरएनए बनेगा. मोनोसिस्ट्रॉनिक इज प्रेजेंट इन दी, दैट इज इन दी यूकैरियोट्स. दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दी ऑपेरॉन, जिसमें हमने लैक ऑपेरॉन जेड वाई ए जीन्स प्रेजेंट थे, तीन तरह के जीन्स प्रेजेंट थे. तो ये क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक. जब हमारा प्रमोटर ओनली क्या करेगा, ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करेगा सिंगल जीन को, तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक. एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक इज प्रेजेंट इन दी, दैट इज योर यूकैरियोट्स. बट पॉलीसिस्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल जेड वाई ए, सो इट इज प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोट्स. पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स. अब जो हमारा यूकैरियोट्स में क्या है, आई टोल्ड यू कि सारा का सारा तो हमारा जो है एमआरएनए, चलो हमने बना लिया. अब एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट होंगे इन यूकैरियोट्स में? इन यूकैरियोट्स में दे विल हैव द स्प्लिट जीन्स, दे हैव द स्प्लिट जीन्स, स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं. स्प्लिट जीन्स मींस दिस इज द एमआरएनए. देर आर सम रीजंस जहां पे क्या होगा, कोडिंग इंफॉर्मेशन होगी. मीन्स वो ही रीजन क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, वो ही रीजन अंडरगोइंग टू अ ट्रांसलेशन करेंगे. कुछ रीजंस होंगे नॉन कोडिंग, मीन्स उनके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी. अब ये नहीं है कि ये रीजन काम नहीं आएंगे, काम भी आते हैं ये. अब कोडिंग रीजंस, दैट इज द एक्सोन्स एंड दैट इज द नॉन कोडिंग इंट्रोन्स. सो रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड एक्सोनिंग ऑफ द एक्सोन एक्सोन एक्सोन, दैट इज द स्प्लाइसिंग. आप किससे करेंगे? स्प्लाइसिंग. एंड द कॉम्प्लेक्स, दैट इज द स्प्लाइसियोसोम्स कॉम्प्लेक्स, U1, U2, U3, दीज आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर पार्टिसिपेट्स. बट इन प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि देयर इज नो स्प्लिट जीन. यहाँ पे क्या है, नॉन स्प्लिट जीन प्रेजेंट है, कि होल ओवर द एमआरएनए के पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी. यहाँ पे कोई कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजंस क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे. अब क्या है कि जो हमारा प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में आगे लिखते हूँ कि प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज द यूकैरियोट्स में You can say in bacteria. In bacteria, all three mRNA
tRNA and rRNA will participate in to formation of protein, means they will be translated and formation will of a protein. This is the information. And one thing main important here is the ki jo prokaryotes mein sab process kahan pe hoga, cytoplasm mein hoga. But in eukaryotes mein kya hoga, jo hamari transcription hogi wo kahan pe hogi, nucleus. अब न्यूक्लियस में क्या होगा, आफ्टर द स्प्लाइसिंग कि जो हमारे कोडिंग रीजंस हैं उनको हमने काट के एक साथ जोड़ लिया और नॉन कोडिंग है उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, देन दिस विल एंटर इनटू अ साइटोप्लाज्म. एंटर्स इनटू अ साइटोप्लाज्म उसको हम क्या कहेंगे, मैच्योर आरएनए और हिट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए. अब उसके बाद भी क्या होगा, देर विल बी अ, दीज आर दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स. यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा कैपिंग एंड टेलिंग. यहां पे क्या होगी, कैपिंग एंड टेलिंग होगी. कैपिंग एंड टेलिंग क्यों करेंगे, दैट इज दी मिथाइल कैपिंग, दैट इज द मिथाइल गुआनोसिन एट द फाइव एंड, एंड टेलिंग दैट इज द एट द थर्ड एंड ऑफ द पॉली ए ए ए ए ए ए एडेनिन के 200 to 300 रेजिड्यू विल बाइंड एट द थर्ड एंड ऑफ द योर एमआरएनए. अब बाइंड करने के बाद क्या होगा, इसके बाद it will undergo into a translation. Now what is the need of capping and tailing, because there are lot of enzymes are present that can degrade our mRNA. So that's the information we will discuss about the in transcription in eukaryotes in the next class. So thank you and have a nice day.